नमस्कार। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है, आज गणेश चतुर्थी को शुभ मुहूर्त मानते हुए हम ज्योतिष पर चर्चा करेंगे। ये विषय इसलिए बताना आवश्यक हुआ है, अधिकांश लोग बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, सबको पता है लगन क्या होता है, राशि क्या होती है, फिर भी कुछ लोग पूछ लेते हैं लगन क्या होता है, राशि क्या होती है। हर व्यक्ति को अपने विषय में कुछ जानकारी लेनी चाहिए। हर व्यक्ति के कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, ये दो चार टिप्स मैं बताऊंगा। जब हम ज्योतिष का कोर्स कराते थे विश्वविद्यालय के अंदर, तो अधिकांश लोगों का कहना ये था कि गुरुजी आप बहुत जल्दी कोर्स को कवर कर लेते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो आज आपके समक्ष 6 महीने की जो बात लोग बताते रहते हैं और 6 महीने तक लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, तो हम आपको 6 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए। देखिए, आपकी जन्म तिथि के अनुसार जन्म समय में जो आपके नाम का अक्षर निकलता है वो नक्षत्र के अनुसार निकलता है। आपका अश्विनी नक्षत्र है तो उसमें 4 नाम होते हैं, चूचे चोला, उसमें नक्षत्र चरण आ जाएगा। मेष राशि में 9 नाम होते हैं, वृष में भी 9 नाम होते हैं, तो 12 राशि में 12 × 9 = 108, 108 नाम के अक्षर हैं। इन 108 के इर्द गिर्द पूरा ज्योतिष ब्रह्मांड घूमता रहता है। तो आइए बताते हैं कि 12 राशियां हैं, हर एक राशि का एक स्वामी है। तो ये स्वामी है, 12 तो राशियां हैं और ग्रह हैं सिर्फ 9, और जो 2 ग्रह हैं उनमें राहु और केतु, ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1 मिनट के अंदर आप अपने राशि स्वामियों को पहचानना शुरू करेंगे। आइए, पहली राशि है मेष। मेष से सीधे 1 से 8 पर आ जाओ, 1 और 8, बस इसको याद रखो, आपके पूरी ज्योतिष लास्ट तक सारी सीख जाओगे इस दुनिया की। 1 और 8 याद रखो, यानी कि 1 और 8 का स्वामी मंगल होता है, बस ये याद रखना। अब 1 से आगे बढ़ोगे तो 2 ही आता है, और 8 से 1 कम करो 7, 2 और 7 का स्वामी शुक्र होता है। अब 2 से आगे बढ़ो 3, और 7 से फिर वापस आओ 6, 3 6 का स्वामी बुध, 4 का चंद्रमा, यानी कि चौथी राशि कौन है, कर्क, चौथी राशि 4 का चंद्रमा और सिंह का सूर्य, स से सूर्य, च से चंद्रमा। अब बची राशि 4 लास्ट में, 9 और 12 का स्वामी बृहस्पति, बची 2 बीच में 10 और 11, इन दोनों का स्वामी शनि, ये याद कर लो। उसके बाद पूरी ज्योतिष को आप कवर कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जो ये राशियां हैं, जहां भी कुंडली में चंद्रमा होता है वही आपकी राशि होती है, और जो सबसे ऊपर का जो खाना होता है बॉक्स, कंप्यूटर जब प्रिंट निकालता है उसमें एल लिखे, LAGN, लग्न, या हिंदी में लिखा हुआ लग्न, वो असेंडेंट है आपका। मुख्य बात यह है कि जब आप अपनी ज्योतिष के अनुसार वीडियो में राशि देखते हैं तो लग्न भी, लग्न राशि भी देखें, क्योंकि जब गोचर में 80% ज्योतिषी इसलिए फेल हैं, और मुझे इसलिए ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, वो बात अलग है कि मैं लोगों के जवाब नहीं दे पाता। 1 लाख लोगों को आप कैसे जवाब दोगे 1 हफ्ते के अंदर, इट इज नॉट पॉसिबल, वेरी क्रिटिकल जॉब। तो आप ये समझिए लग्न को भी फॉलो कीजिए,
क्योंकि लग्न से वेद या ट्रांजिट मोशन में जो ग्रह आएगा, अगर आपके जन्म लग्न में वही ग्रह आज की तारीख में घूम रहा है तो इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू, उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ये बात जो मैं कह रहा हूं सिंपल बात है, आम आदमी सब समझते हैं। हमारे सब्सक्राइबर ज्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, न्यायाधीश हैं, उनसे बात होती है हमारी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी। तो जो कम ज्ञान रखते हैं ज्योतिष का, उनके लिए ये वीडियो मैंने आज विशेष रूप से समय निकालकर उनके भलाई के लिए बताया है कि वो समझें, लग्न को भी फॉलो करें और चंद्र को भी। तो इस प्रकार से आपको दो चीज देखनी अच्छी रहेगी, और वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके लिए जो बचाव का कुछ सुझाव उसमें जरूर दिए होंगे, या उतने दिन आप बचाव रख सकते हैं, जैसे गाड़ी नहीं चलाना, वाहन तेज नहीं चलाना, और घर में विवाद नहीं करना, बिजली आदि उपकरणों से थोड़ा बचाव, क्रोध नहीं करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा खर्च करना है कहीं तो कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है। हम बहुत साफ साफ आपको बहुत क्लियर प्रिडिक्शन बताते हैं, इतनी साफ बात करने के बावजूद तो आपको अगर समझ ना आए, और जो फ्रॉड काम करने वाले, जो ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, जो कम ज्ञान रखते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो सिर्फ बार बार यही कहेंगे हमसे कुंडली बनवाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सब इतना समय हमारे पास नहीं है। इसीलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम आप लोगों के भले के लिए ये जो वीडियो डालते हैं, समय निकालते हैं, और आप इसको जो बुद्धिमान लोग हैं, इस टिप्स को जो आज मैंने बताई है इसको फॉलो कीजिए, इससे आप लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा आपके लिए और भी आप लोगों की डिमांड पर अगली बार एक और नई चीज बताएंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।